हाँ सर, आज की मीटिंग के बारे में बताइए। आर यू आई डी पी द्वारा अपने जो कार्य हैं जो मेरे शहर में प्रारंभ किए जा रहे हैं, लगभग 237 करोड़ रुपए के कुल कार्य हैं, जिनमें पीने के पानी की लाइनों को परिवर्तन करना, सीवरेज का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, ये सहित सभी कार्य सम्मिलित हैं। इनसे निश्चित रूप से जो झुंझुनू शहर की तस्वीर है, जो मोटे तौर पर अभी तक एक बड़े ग्रामीण इलाके के शहर के रूप में नजर आती थी, वो वास्तव में एक शहरी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और आर यू आई डी पी का जो कॉन्ट्रैक्ट जिन फर्म को मिला है उसकी अब तक की रेपुटेशन अच्छी रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि वो टाइम से और अच्छी क्वालिटी के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। सर, सीवरेज प्लांट का आपने काम देखा है और ये 24 घंटे पानी वाला देखा है, कब क्या खामियां मिली और क्या निर्देश दिए हैं? जो फर्म थी जिसने कि सीवरेज का काम लिया था, कॉन्ट्रैक्टर निश्चित रूप से इस स्टैंडर्ड का नहीं होगा, जिसके कारण से वो क्वालिटी उनकी पुअर रही और काम पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से वो बीच में उस कॉन्ट्रैक्टर को सरकार को हटाना पड़ा और उन सारे कार्यों को नए सिरे से टेकअप करते हुए और एलएनटी जो कंपनी है अब चूंकि उसको मिला है, अब तक राज्य में एलएनटी कंपनी का जो कार्य करने का अनुभव रहा है उसको देखते हुए पूर्ण उम्मीद है कि कंपनी अच्छे स्टैंडर्ड के और समय पर अपने सारे कार्यों को पूरा करे। लमसम कितने टाइम में लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा? जहाँ तक प्रश्न 24 घंटे पानी का है, उसमें तो निश्चित रूप से इनकी सारी लाइन्स वगैरह डलने के बाद शायद लगभग एक साल का समय लग जाए, लेकिन झुंझुनू शहर को जो हमारे मल्टी सर हेड से पानी का जो कार्य है, उन्हें मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने में मिलना प्रारंभ होगा। हाँ भाई, सब आज की मीटिंग के बारे में। आर यू आई डी पी झुंझुनू द्वारा एक वर्कशॉप आज यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें पीएचडी और नगर परिषद का स्टाफ और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे वार्डों के पास मेंबर हैं वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये जो कार्य योजना प्रारंभ की गई है आर यू आई डी पी फेज 3 में, इसमें झुंझुनू शहर में करीबन 237 करोड़ रुपये का कार्य होना है। पीने के पानी के लिए नई पाइपलाइन डल रही है, 14 जोनों में शहर को विभाजित किया गया है। पाइपलाइन पूरी डलने के बाद में 6 पंप हाउस और 13 ऐसा टंकियां बनेंगी। और मैं समझता हूँ कार्य जो 27 महीने का वर्क ऑर्डर दिया है एलएनटी कंपनी को, जो वर्क ऑर्डर हुआ है, इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और समय सीमा में शायद कार्य पूर्ण हो पाएगा। शायद 2 साल 2.5 साल बाद में शहर को पीने के पानी के लिए 24 घंटे की सुविधा और सीवरेज की व्यवस्था पूरे शहर को मिलेगी, सुखद अनुभव शहर का सर्विस लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। हाँ सर, आज के वर्कशॉप के बारे में बताइए। आज झुंझुनू शहर में आर यू आई डी पी के द्वारा जो संपादित कार्य किया जाना है सीवरेज और वाटर सप्लाई का, उसके संबंध में जो झुंझुनू नगर परिषद के जो पार्षदगण हैं और जो लाइन एजेंसी है जैसे पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, आरएससीबी है, इन सभी को आमंत्रित करके जो स्वीकृत कार्य है उनके बारे में जानकारी देना और उनका सहयोग के लिए अपील करना कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ समय के लिए हो सकता है असुविधा हो, लेकिन दीर्घकालीन अभी जो लाभ होने वाला है उसके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया। सर, ये 24 घंटा पानी सप्लाई है, ये कब तक पूरी हो जाएगी? कब तक झुंझुनू को पानी मिलेगा और पहले कौन से इलाके के अंदर मिलेगा? अभी झुंझुनू शहर को है जो 38 डीएमएस में डिवाइड किया गया है और अभी डीएमए 26 का कार्य हमने टेकअप किया है, जिसमें कि इंदिरा नगर, मान नगर का क्षेत्र आता है, जिसको कि हम विद इन 20 डेज हम उसको कंप्लीट करके और कमीशन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट डीएमए लेंगे। इस तरह से जो 13 डीएमए है क्रमबद्ध रूप से हम उनको एक एक टेकअप करते चले जाएंगे और उनमें 24 आवर्स का पानी उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा।